नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और शुभम टेक में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों कुछ अच्छी बात करने वाले हैं जो कि गेट के लिए और काफ़ी पीएसयूज के लिए बहुत ही अच्छी है। आज हम बात करने वाले एक एप्लीकेशन की, जिसकी मदद से हम पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है ग्रेडअप एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे से इंस्टॉल करना है। क्या सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके ग्रेडअप लिख देना है। अब इसमें आ गया ग्रेडअप, इस पर क्लिक कर देना है और ये खुल के आ गई। अभी अपडेट करने के लिए आ रही है मेरे में, क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो अभी ये अपडेट होने वाली है, बस थोड़ा स्पीड कम है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा स्पीड कम है इसकी। चलो हम अपडेट नहीं करते हैं, सीधे इसको ओपन ही करते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले हमने ग्रेडअप को खोला। अब देखिए इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं, बैंक एंड इंश्योरेंस, SSC एंड गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स, गेट एंड PSU जॉब्स, JEE एंड BIT SAT, मेडिकल एंट्रेंस, UPSC एंड स्टेट सर्विसेज, MBA प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स एंड टीचिंग एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम एंड NET एग्ज़ाम। तो हम बात करते हैं गेट एंड PSU जॉब्स की। अब इसमें ब्रांच पूछने को आएगा, CS, EE, ECE, ME, सिविल। मैं तो मैकेनिकल से हूँ, तो मैं ME चूज़ कर देता हूँ। अब इसमें लॉगिन करने को आ रहा है, लॉगिन विद फेसबुक और रजिस्टर, तो मैं फेसबुक से लॉगिन कर देता हूँ अपना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे को भी ये पेज खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। देखिए अब इसमें होम का ऑप्शन आ रहा है, प्रिपरेशन प्रिपेयर का ऑप्शन आ रहा है, डाउट जो भी होंगे वो यहाँ पे डाल सकते हैं, फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं और यहाँ पे ये लोग बताएंगे फिर ये व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लूइड स्टैटिक, ये सारे आंसर्स होंगे। टेस्ट सीरीज होंगी ये, RRBJEE, SSC JEE, DRDO के लिए ये वगैरह। यहाँ पे क्लासरूम्स होंगे, यहाँ पे वीडियोस होंगी, कोर्सेज ये होंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है। तो दोस्तों आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपने पढ़ने का नज़रिया बदलिए और डिजिटल बनिए। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।